हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़े इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, आज एग्ज़ाम हो गया यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, और काफ़ी मैंने पेपर भी देखा तो इस साल का पेपर लिटिल बिट टफ था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और काफ़ी क्वेश्चंस जो थे वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे, जो कि काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थे और अंदर घुस घुसे क्वेश्चन थे। तो अगर जो बच्चे निराश मत होइएगा, क्योंकि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, जो अच्छे अच्छे जो दिग्गज होंगे वो भी नहीं लगा पाएंगे इस पेपर को। और मैं पूरा पेपर उनको थॉरली देखा हूँ और एक ही चीज़ में क्वेश्चन देखा हूँ, तो मतलब कि ऑप्शंस जो है काफ़ी घुमावदार ऑप्शन थे। वो जनरली आप बेसिक भी पढ़ के आप नहीं सॉल्व कर सकते, ये यूपीएससी ने प्रूफ कर दिया है। और यूपीएससी ने ये भी प्रूफ कर दिया है कि यूपीएससी इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और हाँ, यूपीएससी ये देख, अब मुझे लगा पेपर देखने के बाद ये लगा कि यूपीएससी जो है आपका रिस्क देखना चाहती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो क्वेश्चन में। अब मैंने क्वेश्चन जब आगे डिटेल में मैंने जब किया है उसमें मैंने बताया है, काफ़ी ऐसे हैं जो आपको फैक्ट्स पता ही नहीं होंगे, लेकिन आपको एलिमिनेट प्रोसेस बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम ने पैटर्न सेट पिछले 2-3 साल में ये सेट कर दिया है कि आपके पास एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए, कि आप चीज़ों को एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप हर फैक्ट्स को याद नहीं कर सकते, राइट? तो एलिमिनेट कैसे करना है वो यूपीएससी में इस बार सिखा दिया। और मैंने पेपर पहला पूरा पेपर देखा है, सीसैट का मैंने अभी नहीं देखा, GS1 का पेपर मैंने देखा, तो काफ़ी टफ पेपर था। और जो बच्चों का बेकार गया है, तो थोड़ा सा बेकार गया है, तो प्लीज़ निराश मत होइएगा। अच्छे अच्छों की क्या कहते हैं, इस बार थोड़ा उनको टफ लगा होगा, तो प्लीज़ आप निराश मत होइए। पेपर वॉज वेरी वेरी टफ। और कट ऑफ, कई बच्चे बोले थे कि बच्चों की डिमांड थी कि सर कट ऑफ बता दीजिए। देखिए, कट ऑफ का प्रैक्टिकलिटी तो कोई नहीं कर सकता है यूपीएससी में, क्योंकि हर साल कट ऑफ जो ऊपर नीचे जाता है। बट मेरे हिसाब से, मेरे रेंज से जिनका 90 प्लस है, इवन जो 85 प्लस भी हैं, 85 प्लस और 90 प्लस जो हैं वो सिक्योर्ड हैं। 90 प्लस, 94, 93, पिछली बार ऐसे 98 को कट ऑफ गया था, कई लोग बोल रहे थे 103 जाएगा, 102 जाएगा, बट 98 गया था फॉर जनरल। EWS का 95 गया था, 96 आई गेस OBC का गया था। तो मेरे हिसाब से 92, 93, 94, 90 प्लस जो है वो सेफ है, और 90 से लेके जो 100 के बीच में, और 100 प्लस तो कम्प्लीटली सेफ है, उनको कोई टेंशन नहीं है, 100 प्लस वाले तुरंत तैयारी चालू कर दें। और जिनके 85 प्लस हैं, प्लीज़ आप तैयारी चालू रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि यूपीएससी का कट ऑफ कितना जाएगा, ये किसी को नहीं पता जाता, ये सब कोचिंग वाले सिर्फ कट ऑफ बताते हैं। प्लीज़ इन पर मत पढ़िए, कट ऑफ से कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा एक मंथ। अगर आपने ये एक मंथ बर्बाद कर दिए एग्ज़ाम में कट ऑफ देखने में, तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। और मैं बता दूँ, प्रीलिम्स में अगर आपको 200 मार्क्स भी आ गए, डजंट मैटर, आपका मेंस ही मेन है। अगर मेंस की तैयारी का अगर एक महीना निकल गया तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से, मैंने जो पेपर लगा उसके हिसाब से 85 से लेके 95 तक है, लेकिन 90 प्लस वाले बच्चे पूरा पूरा सिक्योर हैं। बट 85 वाले बच्चे तैयारी जारी रखें, क्योंकि हो सकता है काफ़ी कम हो जाए, और SC ST का जो कट ऑफ है वो उसी से 10-12 मार्क्स कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। न तो कि मेरे हिसाब से 92-90 के आसपास जाएगा, 93-92 के आस, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, क्योंकि पेपर वॉज वेरी वेरी टफ, ठीक है? और जैसे सेट बी का जो मैं इसके बाद जो मैं अभी पेपर करूँगा, वो सेट बी है। उस सेट बी में शुरुआत के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, फिर हिस्ट्री पढ़ा, लेकिन बीच के आफ्टर 50 इट्स वॉज वेरी वेरी टफ। तो आई गेस पेपर वॉज लिटिल बिट टफ, और एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हर साल यूपीएससी अपना लेवल बढ़ाती जा रही है, और रैंडमनेस बहुत हो गया यूपीएससी में, कि कुछ भी क्वेश्चन हो कहीं पूछ रहे हैं, और अंदर डिटेल्स फैक्ट्स में रूल्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको ये यूपीएससी चाहती है कि डिटेल एनालिसिस करके आपको पढ़ना है, प्लस आपके अंदर रिस्क टेकिंग पावर होनी चाहिए। यह क्वेश्चन लगा रहा है आपको, कैलकुलेटेड गेस अब खूब मारने पड़ेंगे। ये यूपीएससी एग्जाम ने तय कर दिया है कि आपको कैलकुलेटेड गेस, नॉट अंधी गेस, कैलकुलेटेड गेस आपको खूब मारने पड़ेंगे, ओके? तो ये है, आप प्लीज निराश मत होइए। जो बच्चों का बेकार गया पेपर, जो 85 प्लस हैं वो खुश रहे, वो अपने आप तैयारी चालू कर दें। और मेरे हिसाब से आप, मैं बता रहा हूं कि जो आए भी नहीं है वो खाली पेपर ही देख लें, अगर उन्होंने मार्क्स में नहीं जोड़ा तब भी वो तैयारी अपनी कंटिन्यू, क्योंकि आपको IAS अल्टीमेटली बनना है, ओके? तो सेट बी हम लोग चालू करने जा रहे हैं। मैं सेट बी का पूरा डिटेल एनालिसिस बताऊंगा हर एक क्वेश्चन का। कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं आते हैं, और मुझे कहीं डाटा इनका नहीं मिला है, और तो हो सकता है कि मुझे ना बताओ, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं अगर आपको लगता है ये सही है, ओके? तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेट बी UPSC प्रीलिम्स IAS 2020, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं UPSC प्रीलिम्स 2020। तो ये जो सोल्यूशन है मैंने काफ़ी रिसर्च करके बनाया, हम लोगों ने पहले पेपर लगाया, फिर जाके इसको बनाया,
और कुछ हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे गलत मिल जाए, तो अगर कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका आंसर आपको क्या लगता है होगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्लली मेरी पूरी कोशिश है इसमें कि पूरा आंसर आपको अच्छे से दूँ, बढ़ाऊँ। ओके, तो चलिए फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये सेट बी है, मैं आपको बता दूं पहले, ये सेट बी है। ओके, दिस इज सेट बी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा सेट ए, सी और डी का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स, यहाँ कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात की जा रही है। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मोस्टली आप प्री माइंड सेट करके रखिए कि डी आंसर हो ही होगा, लेकिन आप उसको एक बार एटलीस्ट पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। तो यूपीएससी टेक्नोलॉजी से काफी प्रेम करता है, और यूपीएससी ने इस बार तो टेक्नोलॉजी का मतलब की लाइन लगा दी है। पहले शुरुआत में सेट बी में तो मैक्सिमम क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के मेरे को दिखे हैं, ओके, और एग्रीकल्चर के। तो टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार भी टेक्नोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो आप उसको अच्छे से करिएगा। तो देख लेते हैं पहला, दे कैन बी यूज एज अ कैरियर्स ऑफ ड्रग्स, यस इट इज ट्रू। दे कैन बी मेड इन टू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यस। दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर में यूज हो सकता है, और बायोडिग्रेडेबल भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है, सेकंड क्वेश्चन बता रहा है कि पूछ रहा है कि पेस्टिसाइड्स के ऊपर है कि स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन अ क्रॉप फील्ड, इनमें से कौन से एक्टिविटीज जो है जो एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरीड आउट बाई ड्रोन्स, ड्रोन्स का यूज करके आप इनमें से कौन कौन से एक्टिविटी यूज करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें तीनों ही होगा। ओके, स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड ऑन द क्रॉप फील्ड, यस। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज, यस, वहां आदमी जा नहीं सकता तो ऑफ कोर्स ड्रोन का यूज करेंगे। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल फ्रॉम स्पॉटिंग वेल्स ऑफ डीएनए, जो वेल्स जो ऊपर आती है सांस लेने के लिए, जब वो हवा छोड़ती है इतना, तो वहां से भी वो डीएनए ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है, वो एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्री ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग, ये ट्राइंगल के शेप में एक स्पेसक्राफ्ट अप्लाई किया जाएगा है, इन द शेप ऑफ इक्वेटर ट्राइंगल दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग, एक एक साइड जो है 1 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग रहेगी, विथ लेजर शाइनिंग क्राफ्ट बिटवीन द क्राफ्ट, द एक्सपेरिमेंट ये जो है इवॉल्व लीजा है, ठीक है। वॉजर 2 तो हो नहीं सकता, लीजर न्यू हराइजन में नहीं हो सकता, ठीक है, इसका आंसर इवॉल्व लीजा होगा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर क्वेश्चन है पूरा। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, ये आपका आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि हम जेनेटिकली एक चीज चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो ये हम लोग कर रहे थे फोर्थ क्वेश्चन, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, यस इट इज ट्रू। ये थर्ड स्टेटमेंट नहीं सही होगा, क्योंकि पिग में जीनोमी एकदम अलग हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर द बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, देखिए इस थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउट है, तो मुझे 1 एंड 2 लग रहा था, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे आंसर ए ओनली हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, पीसी वैक्सीन में क्या क्या फायदा होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, दिस वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस, यस इट इज ट्रू, ठीक है। और डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस, यस इट इज ट्रू। दिस वैक्सीन हैव नो, यस हर एक वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट पूरा पूरा आपका गलत होगा। अगर 3 गलत होगा, देखिए सी और 2 जो ऐसे कट गया, 1 एंड 1 2 में होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलिए सिक्स क्वेश्चन में आते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पूछता है, इंडिया में जो टर्म है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके तहत क्या आता है, इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, कई लोग शुरुआत में पब्लिक की सुन के अगर उन्होंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, वो हेल्थ केयर मारेंगे, जो कि आंसर गलत रहेगा, इसका डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही होगा। सेवेंथ में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल्स वॉल व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट, यस इट इज ट्रू। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। मेच्योर प्लांट हैज लार्ज वैक्यूल, यस इतना ज्यादा बड़ा होता है, और एनिमल सेल्स का छोटे छोटे होते हैं। ओके, तो 3 भी सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब 8th नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन, इसमें पूछा है कि बेंजीन जो है वो
पोल्यूशन से आप किसके कह तहत बेंजीन पोल्यूशन बढ़ सकता है या तो बन सकता है, तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट सही है, टोबैको स्मोक हो जाएगा, वुड बर्निंग भी हो जाएगा, ठीक है, वार्निश वुड फर्नीचर से भी होता है और क्लोरीयूरेथेन से भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, 9th क्वेश्चन है। इन इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसे 2009 में आया था क्राइसिस, ये पूछ रहा है कि अगर फिर से क्राइसिस आता है तो इंडिया इंडिया किस चीज से इम्यून रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन जो है तो पूरा पूरा गलत हो जाएगा। आपको पता है कि अगर हम फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करें, मतलब जो जितना पैसा उन्होंने कैपिटल अकाउंट डाला है वो वापस ले सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो फायदा नहीं है ना, फिर तो क्राइसिस इंडिया में भी आ जाएगा, तो ये चीज नहीं होगा। ओके, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरन बोरिंग, ये सही है। ओपनिंग अप टू मोर फॉरन, देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, अगर आपने फॉरन बैंक अगर खोल लिया तो मान लीजिए फॉरन बैंक जब क्राइसिस आएगा तो फॉरन बैंक भी सबसे पहले अपना सब सामान उठा के वापस जाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली। ओके चलिए करते हैं 10th। हाँ 10th अच्छा क्वेश्चन है काफी। इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि ये M1 का, देखिए M0, M0, M1, M2, M3 था, आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिमांड डिपॉजिट M1 में आता है, ठीक है, जो आपके बैंक में हमेशा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट, इस आंसर पढ़िए। वैसे तो सारा इफेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में, लेकिन इसका पूछ रहा है इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई, मतलब कि जो मैक्रो इकोनॉमी है, जो मॉनिटरी सप्लाई है, उस पे क्या इफेक्ट करेगा, उसमें ये पूछ रहा है। तो इसका ये हमेशा अनचेंज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परामितास, ठीक है, तो टर्म परामितास कहाँ कहाँ आया था, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ। देखिए ये काफी, ये जो आम बुक है जो एंशियंट एशियन में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसको मैंने भी गूगल से सर्च मारा था तब जाके मेरे को इसका आंसर मिला था, ठीक है, तो इसका आंसर सी आएगा, काफी ये कठिन क्वेश्चन था। ओके चलिए 12th में आते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, रखमाबाई केस, रखमाबाई राउत केस था, रखमाबाई राउत केस था एक, जो ये जो थी रखमाबाई राउत, ठीक है, रखमाबाई राउत केस था, 1884 में आया था केस, ये पहली शायद फिजिशियन थी, ठीक है, इन्होंने जो इनका केस हुआ था जब हाईकोर्ट में गया था उसमें वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन की बात की गई थी, एज ऑफ कंसेंट, फिर बाद में 1884 में 1886 में शायद एक्ट बना था, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में भी बात की गई, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 13 देखते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया डिक्लाइन बाय बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, क्यों क्यों हो गया था, क्योंकि सिंथेटिक बनने लगे थे, वो जर्मनी में सिंथेटिक का आविष्कार हो गया था, इसलिए ये होने लगा था, ठीक है, कम होने लगे थे, इंडिया से डिक्लाइन होने लगा था ट्रेड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक, ठीक है, इंडिगो का कल्टिवेशन इसलिए इंडिया इंडिया में थोड़ा कम हो गया था, काफी नुकसान पहुंचा था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वेलेस्ले क्यों, किसने क्यों फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिश किया था, आपको पता ही होगा, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। हाँ विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 15th क्वेश्चन में आते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट ट्यूमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, तो ये उलगुलन जो है इवेंट जो है वो बिरसा मुंडा रिवॉल्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ये इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 16 में आते हैं। विथ रेफरेंस टू स्कॉलर्स ऑफ एंशियंट इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पढ़नी पढ़नी किससे एसोसिएटेड थे, ये पूछा जा रहा है, पढ़नी पुष्यमित्र सुंगा सीनियर से, ये नंदास से रिलेटेड, ठीक है, तो पुष्यमित्र सुंगा नहीं होगा, ठीक है, अमर सिंह जो है थे वो चंद्रगुप्त से रिलेटेड थे, चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड थे, तो इसका आंसर हर्षवर्धन नहीं होगा, कालिदास भी चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड, अमर सिन्हा एक्चुअली विक्रमादित्य से रिलेटेड, जो कि चंद्रगुप्त टू को कहा जाता था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ओनली। ओके 3 ओनली मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 17वें नंबर पे आते हैं हम लोग। इन द कंटेक्स्ट ऑफ, वेट एक मिनट, हाँ इन द कंटेक्स्ट ऑफ एडवांसेज इन ह्यूमन
रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज फॉर, ये भी न्यूज में था प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, अगर जो पेपर पढ़ते हैं डेली हिंदू का तो उनको पता होगा ये आंसर अच्छे से। इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन द ऑफस्प्रिंग, मतलब पहले से ही आप ऐसा कुछ बना लीजिए ताकि जो है माइटोकॉन्ड्रियल चेंज ले आए ताकि जो बच्चा जो पैदा होने वाला है उसमें कोई डिजीज ना आए। ठीक है, 18 नंबर पे आते हैं, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एआई बहुत न्यूज में था, आजकल तो वैसे भी न्यूज में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यस ये तो कहीं भी देखिए टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं हमेशा फायदे के लिए ही होते हैं जो यूपीएससी हमेशा पूछता है। ठीक है, तो मोस्टली इसका आंसर डी होता है, बट आप इसको पढ़ के लगाइएगा। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग, यस। डिजीज डायग्नोसिस, यस। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, यस। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ, ये भी पॉसिबल है। इसमें लोगों को डाउट लग रहा था वायरलेस ट्रांसमिशन क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है, ये होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 19 करते हैं, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, 19 क्वेश्चन, तो ये भी बहुत काफी टफ क्वेश्चन था। इसको मैंने पूरा गूगल से देखा है, तो जहां से मैंने देखा हुआ है पूरा वेबसाइट से, तो इसमें ये पता चला है कि इसका वेवलेंथ, ये आंसर इसका सही है। ठीक है, 19th का पहला स्टेटमेंट सही है। VLC इज नोन एज अ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑफकोर्स अगर विजिबल लाइट यूज कर रहे हैं तो वो वायरलेस ही होगा। ठीक है, VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ, ऑफकोर्स ये तो सही है। ठीक है, VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये गलत है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 ब्लॉक चेन, इसको मैंने अपने वीडियो में बताया था ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, इट इज अ पब्लिक लेजर, यस, दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विथ नो सिंगल यूजर कंट्रोल, मतलब कि लेजर ब्लॉक्स में बना रहता है, ब्लॉक्स में कनेक्टेड रहता है, उसमें कोई भी आपस में चेक कर सकता है किसी के फंक्शंस। ठीक है, इसलिए काफी इसको ये ट्रांसपेरेंट माना जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द स्ट्रक्चर एंड द डिजाइन, द स्ट्रक्चर एंड द डिजाइन ऑफ द ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली, लेकिन ये खाली क्रिप्टो करेंसी ओनली में यूज नहीं होता, कई जगह ब्लॉकचेन यूज होता है, तो इसका आंसर 2 जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 जो एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर लॉकडाउन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबडी परमिशन, यस इट इज ट्रू। इसलिए देखो रेगुलेशन में इसको प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए RBI डर भी रहा है। ठीक है, 21 में आते हैं, ये बहुत पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए, पॉलिटी के थोड़े इजी क्वेश्चन लगे थे मेरे को। अ पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन विच, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पहला है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, तो गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, यस जो सरकार है वो जो कैबिनेट जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके निकाल सकती थी। देखिए सी ए गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल कैन रिमूव देम, ये तो गलत ही है, इलेक्शन होता है इससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बिकॉज इट बिल्कुल गलत है। ठीक है, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट कहाँ दिया गया है, सभी को पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो जाएगा। 23वें नंबर पे आते हैं, 23rd क्वेश्चन में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड नहीं है जो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट और द पीरियड ऑफ जजमेंट जो दिया है उस पर डिफाइंड, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड, यस आर्टिकल 50 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23rd का बी हो जाएगा। ओके चलिए 24 में आते हैं, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीजम मार्क्सिज्म क्या था, देखिए क्लास स्ट्रगल जो है ये मार्क्सिस्ट चाहते ज्यादा, गांधीजी ज्यादा नहीं चाहते थे, अपोज करते थे, और अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ये मार्क्सिज्म चाहते थे, सारी जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, इसका आंसर हो जाएगा डी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे इनका कॉमन एग्रीमेंट था। ठीक है, चलिए 25 में आते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, मैं पूछा ब्यूरोक्रेसी के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ब्यूरोक्रेसी है क्या, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नो इट इज रॉन्ग, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, नो क्योंकि क्या कहते हैं मेरे हिसाब से जो सेंट्रल, देखिए फॉर एग्जांपल जो आप आज एग्जाम देके आए वो IAS IPS IRS ये सब सेलेक्ट करता है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेन करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही हटा सकती है, और लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट यूज करते हैं। तो ये स्ट्रेंथनिंग एक प्रकार से डेमोक्रेसी के फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग नहीं कर रहा। एंड एजेंसी फॉर फैसिलिटिंग पोलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल कह रहा है, एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यस जो कलेक्टर होता है वो क्या करता है, पब्लिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट पॉलिसी आती है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, अब 26 का देखिए, प्रीएम्बल मैंने पहले ही बोला था, सब अपने स्टूडेंट्स को बताया भी था कि प्रीएम्बल से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते ही मिनिमम। तो प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का, और काफी इसी से क्वेश्चन आप देखिए, अब इसमें भी ऑप्शन बहुत खतरनाक दिए हुए हैं। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, देखिए इसको साइड में रखते हैं, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट का, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, नो इट इज वेरी रॉन्ग। और इसका लास्ट ऑप्शन जो है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट, ये ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, गोल्ड 27 पे आते हैं, गोल्ड ट्रांशे होता है, रिजर्व ट्रांशे किसमें यूज होता है, आपको बताइए, क्रेडिट सिस्टम गारंटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर, आईएमएफ में जो कोटा सिस्टम, आपको एसडीआर पढ़ा होगा, रिजर्व ट्रांशे पढ़ा होगा, कोटा सिस्टम पढ़ा होगा, जो आईएमएफ में हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेन इन पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट फोर क्या है, डीपीएसपी है, और फंडामेंटल फोर पार्ट फोर है जो वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका जो है ये पहला स्टेटमेंट है, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, ठीक है, नहीं इन्फोर्सेबल नहीं है, आपको पता ही, अगर टू गलत होता है तो बच्चा वन एंड वन थ्री में, तीन हम लोग देख लेते हैं, द प्रिंसिपल लेड डाउन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस टू मेकिंग लॉज ऑफ द स्टेट, यस इट इज ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा 28 का, हाँ सॉरी ये तो गलत ही हो गया, दे शैल बी इन्फोर्सेबल, नहीं तो बुरा गलत है, तो वन तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसका आंसर टू और थ्री में होगा, टू तो सही है दरअसल, और इसका डी हो जाएगा, ठीक है, इसका ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। चलिए 29 में आते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर, नो, अब 18 साल का बच्चा ही वोट दे सकता तो कैसे उसको मिनिस्टर बना देंगे, ठीक है, तो 18 साल का भी तो मिनिमम 25 साल तो चाहिए चाहिए लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 साल के ऊपर, ठीक है। तो इसका पहला स्टेटमेंट पूरा पूरा गलत है, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इंप्रिजनमेंट फॉर 5 इयर्स इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड, नो, अगर 2 साल से ज्यादा सजा है तो जैसे लालू यादव को 2+4 = 2+5 हो जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, इसका नाइदर 1 or 2 होगा, ठीक है। अच्छा 30 का देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस, यस इट इज ट्रू, वो जहां भी चाहेंगे, किधर भी चाहेंगे, किधर भी चाहेंगे, वो कभी भी चाहेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन कर सकता है, ठीक है। अच्छा तो पहला सही है, पहला स्टेटमेंट सही है होगा। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं हम लोग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने लिखा हुआ है प्रोवाइड फॉर 3 सेशन, ये नहीं लिखा हुआ, उसमें 2 सेशन लिखा हुआ है, ठीक है, कि 2 सेशन 3 सेशन जो है ये कन्वेंशन में आता है। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, देयर इज नो मिनिमम नंबर, यस इट इज आल्सो ट्रू, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर होगा सी, ठीक, और इट इज नॉट, ये तो सही है लेकिन ये पहला स्टेटमेंट गलत है। चलिए 31 में आते हैं, आधार कार्ड को से बहुत प्रेम है पीएससी को, तो आधार कार्ड का हर साल क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो 31 में आते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन है, और आधार कार्ड मेटा डाटा कैन नॉट बी स्टोर फॉर मोर देन 3 मंथ्स, हमने ढूंढने की कोशिश की, ये मैं यहाँ के अटक रहा था कि अगर आधार इज मैंडेटरी फॉर, अगर मान लीजिए किसी को सब्सिडी देना है तो आधार कार्ड का दिखाता है तो कंसल्टेंट फंड ऑफ इंडिया से कैसे आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो ये भी, ये तो पूरा पूरा गलत है, मैं बता दूं आपको, आधार जो है मैंडेटरी नहीं है इंश्योर IRDAI के तहत, IRDAI के तहत इंश्योरेंस जो ये रेगुलेटरी है बॉडी है इंश्योरेंस की, वो बोला है कि आधार कार्ड जो है मैंडेटरी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है, तो सी बचा, 1 and 4 बचा, 2 and 4 बचा, मुझे 2 और 4 में ही है प्रॉब्लम है, तो ये कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको स्किप कर रहे हैं, जब मुझे आंसर मिल जाएगा मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ओके। तो 31 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 32 में आते हैं, राज्यसभा इक्वल पावर्स विद लोकसभा, राज्यसभा के पास क्या इक्वल पावर है,
इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, नो, राष्ट्रवाद ज्यादा पावर है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ही सही है, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मेकिंग कर द कट मोशन, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था काफी। अच्छा 33 आते हैं, ये काफी कठिन क्वेश्चन है और इसका भी मतलब कि अच्छा खासा कठिन है, अगर जो ज्यादा सोचेगा वो पूरा गलत कर देगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। विद रेफरेंस टू द फंड अंडर द एमपी लैड, एमपी लैड भी कोविड की वजह से काट दिया गया है, तो ये काफी न्यूज में था जब कोरोना वायरस आया था, तो ये आना तय था। ठीक है, एमपी लैड से अभी एमपी लैड का फंड कटा है। ठीक है, और सैलरीज भी कटी है जो मिनिस्टर्स हैं और जो पार्लियामेंटेरियंस मेंबर्स हैं। ठीक है, तो हाँ, एमपी लैड फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल, यस इट इज ट्रू, ये सही हो जाएगा। और स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बी बेनिफिट, ये भी सही है, एस सी एस टी पॉपुलेशन को बेनिफिट होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, और एमपी लैड फंड आर सेंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज फंड, एंड द अनयूज फंड कैन नॉट बी फॉरवर्ड, ये नॉन लैप्सेबल होता है, आपको बता दूं दिस इज नॉन लैप्सेबल फंड, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे नॉन लैप्सेबल, मतलब कि ये लैप्स नहीं हो सकता है। ठीक है, एमपी लैड फंड, ठीक है, तो नॉन लैप्सेबल तो पूरा गलत हो जाएगा, थ्री गलत हुआ, देखिए थ्री गया, ये गया, वन एंड टू हुआ। हम ये पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर द एमपी फंड, यस इट इज ट्रू, ये मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो 33 का डी हो जाएगा। 34 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, देखिए कई लोग कंफ्यूज होंगे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में और राइट टू इक्वालिटी में, कि ये तो होता होगा नहीं, 32 होगा, राइट टू फ्रीडम भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल 17 है। ठीक है, तो बॉन्डेज लेबर के लिए है ये, इसके आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 35 पे। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉइंड बाय, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी कहाँ पे है, आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 50 में दिया है, तो वो भी डीपीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी का डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पार्टीज का आंसर हो जाएगा बी। ओके, बी हो जाएगा। चलिए 36 करते हैं अलॉन्ग, देखिए मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज में बनाए भी हैं, अलॉन्ग विद द बजट फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेम तीन स्टेटमेंट निकालने होते हैं, ये सब एफ आर बी एम का पार्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको तीन स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर को बताने पड़ेंगे, इनमें से एक स्टेटमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या पूछी गई है, अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, इसको साइड में रखते हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट कभी नहीं हो सकती है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट ये भी नहीं हो सकता है संविधान में लिखा, लिमिटेड गवर्नमेंट इज द बेस्ट आंसर इसमें दिख रहा है। देख कई लोग कंफ्यूज जाएंगे कि गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन लेजिस्लेचर तो यार तो चाइना में भी है। ठीक है ना, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जहाँ पे है, लेकिन तो ठीक है मेरे हिसाब से जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, देखिए जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बना था 1948 में, तो ये पूछा गया कि इनका क्या रिफ्लेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट करता है। देखिए कई लोग क्या कहते हैं आपका प्रीएम्बल ही बोल रहे हैं, सिर्फ डीपीएसपी कई लोग बोल रहे हैं, ओनली टू भी आंसर है, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए सब रिफ्लेक्ट करता है, प्रीएम्बल में भी जस्टिस की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी ऑफकोर्स बात की ही गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बात की गई है, क्या कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का, जैसे वुमेंस को बचाना, आपको वुमेन की इज्जत करनी है, सब भाईचारा बनाना है, तो मेरे हिसाब से इसका डी हो जाएगा, लेकिन कई जगह आंसर कई लोग बी भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बट डी ही होगा। ओके, चलिए 39 में आते हैं। इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइडेड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये काफी कठिन क्वेश्चन है, इन्होंने पूरा एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया है। ठीक है, तो पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, मेरे हिसाब से मैंने जहां तक देखा है इसका आंसर पहला ये सही होगा, ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ, यस इनकी थोड़ी इनकम बढ़ा दी गई ताकि सब लोग कवर हो जाए, ट्रांसजेंडर भी कवर्ड है, मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड कम्युनिटी विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख, ये शायद स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, और ऑल सिटीजन सिटीजन तो नहीं होगा, आपको पता ही है, तो 4D नहीं हो पाएगा,
बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसमें टू एंड थ्री बचा है लेकिन वन तो है ऑलरेडी, तो ये वन आंसर इसका सही हो सकता है। इसका थोड़ा सा मेरे को डाउट है, इसका प्लीज़ आप चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 39 का आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। मेरा बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो ए ही होगा, ठीक है। अच्छा चलते हैं, अदर देन फंडामेंटल, ये हो गया क्वेश्चन 40 आते हैं। अल्माटर डिक्लेरेशन आपको पता ही है ये गलत है, यहाँ पे सॉरी सही है, ये अल्माटर डिक्लेरेशन जो है इसका हेल्थ केयर के प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए था, प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए था, ठीक है। और हेग कन्वेंशन इसका हो जाएगा पहला, पहला अल्माटर सही है, ठीक है। उसके बाद हेग कन्वेंशन जो है वो भी गलत है, और टेलोना डायलॉग जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में है ये एकदम सही है, अंडर टू कोरिलेशन जो भी है वो भी गलत है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का सीधे। किसको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रटना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। इसमें आप तो कैलकुलेटेड गेस भी नहीं मार सकते, तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, हिस्ट्री में आते हैं, हिस्ट्री काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस बार, कठिन क्वेश्चन आए हैं। औरंग का मतलब क्या होता था, औरंग में बता दूँ वेयर हाउस होता था, वेयर हाउस होता था औरंग का, तो यहाँ पे ये इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और ये बनियान जो है इंडियन एजेंट फॉर द ईस्ट इंडियन कंपनी, ये लोग ट्रेड कर सकते थे, इनको कहते थे बनियन, ठीक है। अब वो बनिया से बना है किससे बना है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन बनिया बोलते थे उनको, ठीक है। मिरासीदार जो होता है डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टैचू स्टेट सॉरी, और इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही थे इसका, तो ये जो है गलत है औरंग का, ठीक है। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्थर विरार्दिन जो थे वो महायान बुद्धिज्म नहीं थे, वो थेरवाडा बुद्धिज्म था, ठीक है, थेरवाडा जो श्रीलंका में यूज होता है, ये आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन लग जाएगा। अगर पहला गलत है देखिए तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है, डी भी नहीं होगा, बचा टू एंड थ्री, मतलब थ्री तो आंसर सही है ही, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघ के साथ फॉस्टर द महायान बुद्धिज्म सही है। लोकवर्धन लोकाता वर्दीन सेक्ट जो है वो महासंघ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म का था, इसका आंसर बी हो जाएगा, काफी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है 43 का, इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए मशीन जो है इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी लार्ज नंबर, गलत। रेल लाइन देखिए अर्ली पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब कि 1800 में पहली 19th सेंचुरी में का क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहला आंसर जो होगा, इसका जो हो जाएगा वो होगा, पहला होगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रूल्ड, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। हैवी ब्रिटिश हैवी ये तो होगा ही नहीं कभी भी, रेलवे लाइन कभी लेट नहीं करके 1800 से 1850 के बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। 44 में आते हैं हम लोग, ठीक है। 44 में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछने लगा, और ये काफ़ी टफ पूछता है हिस्ट्री में भी, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कौन पहले कहाँ का आया है, तो आप इसको आसानी से गैप बाय गेस जो है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू अर्लीएस्ट, ठीक है, अर्लीएस्ट से लेके आगे तक जाना है, ठीक है, आपको पहले से। तो सबसे पहले कौन सा आया था इसमें, पल्लवा आया था, 7th सेंचुरी अराउंड आया था, 8th सेंचुरी के अराउंड आया था ये पल्लवा, सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था महेंद्र वर्मन ने के, तो इसका आंसर पहला आपका 2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका, पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड ऑफ गोपाला, पाला डायनेस्टी जो है वो अराउंड आपका इसी के 8th से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में आया था, तो ये आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 हो जाएगा। 4 के बाद जो है प्रतिहाराज आए थे, प्रतिहाराज भी आपका 9th सेंचुरी के अराउंड आए थे, तो प्रतिहाराज हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो है वो 3 हो जाएगा आपका, सबसे लास्ट में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का सी हो जाएगा, 2413, ओके। चलिए 45 आते हैं, हुंडी के बारे में बात की गई है, देखिए यहाँ पे हुंडी बहुत इजी है क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ता हो पहले चैप्टर में लिखा हुआ है, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते थे, ठीक है। हुंडी जो मोस्टली है गुजरात में बहुत चलता है, इवन आज भी चलता है, ठीक है, हुंडीज के बारे में, हुंडीज हंडीज जो भी बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो 45 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 देखते हैं। अच्छा देशर कथा जो है ये सबरमन सखराम गणेश दिवस्कर द्वारा लिखा गया है, ये काफी भी ये भी कठिन क्वेश्चन, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब यूपीएससी ने क्यों पूछा है गॉड नोस, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने सर्च मारा था, इसका आंसर इट फॉन्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट, जिसे तुक्का मारा उसका सही हो जाएगा। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस स्वदेशी स्टेट, ये सही है,
क्योंकि आपको अगर तुक्का ही मानना होता आपको मान लीजिए कि उस समय लिखा गया तो ऑफ कोर्स स्वदेशी मूवमेंट से तो मोटा मोटा रिलेटेड ही होगा। द यूज बाय देश एंड देश के वाज इन स्पेसिफिक कंट्रीज ऑफ रीजन ऑफ बंगाल, ये इसका गलत है, बंगाल के रीजन के लिए नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, काफी कठिन क्वेश्चन था ये काफी इजी क्वेश्चन है। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में आपको पता ही होगा, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसका आंसर बी हो जाएगा 1 to 4। इसका एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। लेकिन मैं बता दूं, इनिशिएशन इनविटेशन टू कांग्रेस, गांधी जी अब गांधी इरविन पैक्ट को तो उनको बुलाया गया था, ये आंसर पहला स्टेज है। विड्रॉल फॉर ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेटेड इन कनेक्शन विद सिविल सीडीएम के अगेंस्ट जो ऑर्डिनेंस पास किए गए थे उसको विड्रॉ किया जाए, ये भी सही है। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी पुलिस, ये नहीं माना था उन्होंने इरविन ने। रिलीज ऑफ ओनली दोज, गांधी जी ने बोल दिया था जिन्होंने वायलेंस नहीं किया है उनको आप रिलीज छोड़ दीजिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ 48 में आता है विट्ठल वाइटल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एट इट्स टारगेट ऑरिजिन वॉज पब्लिश बाय गोपाल बाबा वालंगर को। ठीक है, ये आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं, ये भी काफी टफ क्वेश्चन था। ठीक है, 49 में आते हैं विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुल व्याप एंड द्रोण व्याप, कुल व्याप और द्रोण व्याप ये जो है आपका लैंड मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता था, लैंड मेजरमेंट के लिए। ठीक है, और ये कब यूज होता था मैं आपको बता दूं, गुप्ता पीरियड में, आज बुक पढ़ेंगे इसमें लिखा भी हुआ है, गुप्ता पीरियड में यूज किया था। ठीक है, और ये बता दूं कि गोपाल बाबा वलंगर भी अरबिंदो के साथ रहते थे, अरबिंदो के काफी घने मित्र थे, तो उनके साथ रहते, उन्हीं के साथ लिख के इन्होंने ये ली, कहते हैं मंथली जर्नल निकाली थी। ठीक है, गुप्ता पीरियड में यूज किया था, इसका मेजरमेंट ऑफ लैंड हो जाएगा 49 का। ठीक है, चलिए 50 में आते हैं, ये किसने कहा था, पूछा, हूसोएवर प्रेजर हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन हिज ओन सेक्ट विथ व्यू ऑफ ग्लोरिफाइंग हिज ओन सेक्ट ही रेदर इंजर्स हिज ओन सेक्ट वेरी सीवियरली। काफी सेक्ट चिला दिया है, तो लेकिन इसमें क्या बता दूं मैं, धम्मा में था। ठीक है, अशोक के जो धम्मा था उसमें लिखा गया है, ये एग्जैक्ट लाइन है, एंशियंट हिस्ट्री जाके आप पढ़ेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो 50 का ए हो जाएगा। चलिए, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, चलिए फटाफट हम लोग 50 में 50 क्वेश्चन और कवर करना है अपने को। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर, फर्टिगेशन मतलब इंजेक्शन देने वाला चीज है, ये भी मेरे को नहीं आता था, काफी कठिन क्वेश्चन है, पहले भी मेरे को सुना हो, तो ये बता दूं इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। काफी रिसर्च किया हम लोगों ने तो जाके आंसर मिला है, पता नहीं पेस्टी को कहां तक, लेकिन ये एक चीज बता दी, आपको पता होना चाहिए कि जो रॉक फॉस्फेट है ये जो है वाटर से सॉल्यूबल नहीं होता, जब चाहे इंजेक्शन से डाल जैसे डाल, ये वाटर इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है, इनसॉल्यूबल होता है। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। 52 में आते हैं, हाँ अब 52 में तो ऑफिशियली ये भी पिछले देखिए, मेजर और माइनर मिनरल से हमेशा यूपीएससी पूछता ही पूछता है, हर साल पूछता है। पिछली बार सैंड के बारे में आया था कि सैंड मेजर मिनरल है कि माइनर मिनरल है, वो भी कई कई जगह मेजर होता है कई कई जगह माइनर, इस बार अलग से पूछ लिया है। देखिए, क्रोमाइट जो है मेजर है, 110% सही है, लेकिन बेंटोनाइट जो है वो मेजर मिनरल नहीं है, तो वन तो पूरा गलत ही हो गया। ठीक है, तो क्रोमाइट तो हो गई, बाकी का मुझे इसका आइडिया नहीं था, कैनाइट और सिलिमाइट है कि नहीं है, लेकिन क्रोमाइट इज द मेजर मिनरल, ये 110% सही है। अगर बेंटोनाइट नहीं होगा तो बचा फोर, फोर और डी बचा, फोर इसमें भी है तो टू तो ऑलरेडी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, ठीक है, इस बार का जो यूपीएससी का पेपर तो था काफी जो है आपको गेस मारना ही पड़ेगा, वरना आपके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे, गेस तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, ये किसी को नहीं पता होगा। ओके, 53 में आते हैं ओशन मीन टेम्परेचर, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ओशन मीन टेम्परेचर आर मेजर अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस, ये सही है जो था, विच इज वन नो नॉट 129 मीटर, 50 से 100 मीटर तक का नापते हैं। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ओएमटी कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल विल बी लेस और मोर लॉन्ग टर्म, ये तो सही है, ऑफकोर्स सही है, जिसको नहीं भी आता वो अगर तुक्का ही मार देगा उसका भी सही हो जाएगा, तो 53 जो है वो का बी आंसर होगा। चलिए 54 करते हैं, विथ रेफरेंस टू द केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया, केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया बात की जा रही है, तो हाँ, तो एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, पूछ रहा है कि सार एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, ये सारा सर गलत है, कुछ कुछ जो है वो गवर्नमेंट भी
रेगुलेट करती है उसमें एनपीके वाली, ठीक है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अमोनिया विच इनपुट एरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। सही है। सल्फर विच इज रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रॉयल इनफर्नीज। ये भी सही है, ठीक है। चलिए 55 क्वेश्चन में आते हैं। इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क की बात की, देखिए मैं हर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए आ गया, तो इंडियन इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो जो है आपका बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में है, ये काफ़ी बड़ा है और इसका पहला ऑप्शन सही है, देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन, ये गलत है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का, 55 का सी हो जाएगा, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है आपको बता दूं कि नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, आप जाके प्लस 30 उसको चेक कर लीजिए। स्काई चीन हो नहीं सकता, वो ईस्ट में है, लद्दाख ले जो इस तरफ है, इस तरफ स्काई चीन है। नॉर्थ ऑफ गिलगित, गिलगित उसके जस्ट साइड में है, और नॉर्थ ऑफ श्योक और नुब्रा वैली यहाँ पे तो उसके नॉर्थ में ही होगा, तो फिर से इसका डी हो जाएगा। ये न्यूज में था काफी सियाचिन ग्लेशियर, इसलिए आया गया, ठीक है। फेमस प्लेस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फेमस प्लेस में भिलसा जो है वो विदिशा कहलाता है, 57 में है, विदिशा होता है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश में सही है, ठीक है। द्वार समुद्र जो है वो कर्नाटक आपका शायद कर्नाटक में है, ठीक है, नॉट महाराष्ट्र में, तो ये गलत हो जाएगा। गिरिनगर जो गुजरात जहाँ पर ग्रीन लाइन के लिए फेमस है, ये सही है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। स्थानेश्वर जो है वो गलत है, ठीक है, शायद आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उसको आप चेक कर लीजिए एक बार। लेकिन इसका गिरनार जो है, गिरिनगर एक देखिए बेंगलोर में एक लोकेलिटी भी है, मैंने चेक किया था, बट वो गलत हो जाएगा, ये हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, 1 और 3, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 57 का, 58 आते हैं। 58 में बोला गया है 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड ओवर एक्सपेक्टेड आर क्रिटिकल। नो, ये CGW जो है 36% नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि ओवर एक्सपेक्टेड नहीं, क्रिटिकल नहीं बोला, ठीक है, उन्होंने पार्स्ड बोला है, पार्स्ड मतलब कि परेशानी बहुत ज़्यादा है, पार्स्ड बोला, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में तहत था, ये सही है, इंडिया इज लार्जेस्ट 67% अराउंड है इरीगेशन जो है वर्ल्ड का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 58 का बी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये पूरा पूरा गलत हो जाएगा। 59 में आता है, जस्ट स्ट्रीम ऑकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। नो, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, आपको पता ही होगा। ओनली सम साइक्लोन डेवलप आई, हाँ ये बताइए क्या सारे साइक्लोन ही, मतलब कि सारे साइक्लोन डेवलप करते हैं या कुछ साइक्लोन? यस, कुछ साइक्लोन ही आई डेवलप करते हैं, सारे साइक्लोन नहीं करते हैं। देखिए अगर नहीं पता होगा आपको, अगर थर्ड स्टेटमेंट याद, देखिए आपको पता ही है कि वन नहीं होगा, राइट, वन तो नहीं होगा, तो वन ये कट गया, अब बचा 2 और 3। अब आपको 3 चेक करना है, टेम्परेचर इनसाइड आई, उल्टा होता है, जो टेम्परेचर इनसाइड आई होता है वो ज्यादा होता है डेविस, यहाँ लेसर लिखा नहीं, गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 ओनली, 59 का हो जाएगा सी, ठीक है। 60 का हो जाएगा अबंग द टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट एरिया अंदर क्रिटिकल, देखिए आपको होता है नॉर्दर्न सागर सीसेलम जो सबसे लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट है, रिजर्व है, ठीक है। ये काफी मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन ये काफी आ सकता है, तो देखिए वही क्वेश्चन एग्जैक्ट आ भी गया है, ठीक है। इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज प्लेस अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बता दूं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6 है, ठीक है। 5 में, 4 में वर्मिन होते हैं वो, 6 के बारे में प्लांट्स के बारे में बात की गई है, मतलब कि ऐसे प्लांट जो प्रोहिबिटेड है वो उगाए नहीं जाते विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो 61 का, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा, तो लाइसेंस रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट। कई लोग ये भी कंफ्यूज है, सच प्लांट ये तो कभी नहीं होगा, और ए और बी में लोगों को कंफ्यूजन है, सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ये गलत है। जैसे ओपीएम है, ओपीएम जैसे आपका दवाई में यूज होता है तो ये कल्टीवेट, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ओनली लाइसेंस, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। काफी डीप क्वेश्चन है, अंदर से पूछा हुआ है। 62 आते हैं, विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एशियन इंडिया टाउन घंटसला कडूरा चौल ये जब जो है पोर्ट्स थे, कौन थे ये? पोर्ट्स थे, तो इसका 62 का आपका ए हो जाएगी, पुराने पोर्ट्स थे, ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज, ये भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जीरो टिलेज का एडवांटेज क्या है? देखिए जीरो टिलेज वो होता है जहाँ पर आपको मेड़ नहीं बनानी पड़ती, खेत होता है ऐसे, मान लीजिए मेड़ बनानी पड़ती है, उसमें उगाना आपको जुताई करनी पड़ती है, वो निरप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने सीड को छोड़ दिया
इसमें मिट्टी में, ठीक है, फॉर्म में। तो 63 का देख लेते हैं ऑप्शन। सोइंग पहला सही, विदाउट बर्निंग ये भी सही है, पॉसिबल है, यस। विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैम्पलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेस्ट सॉइल इज, वेट सॉइल इज पॉसिबल, यस ये भी सही है। कार्बन सिक्वेशन सॉइल इज पॉसिबल, पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे लिखा है पॉसिबल वर्ड लिखा है ना, समझ देखिए, तो ये पॉसिबल है, यस सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए 64 में आते हैं। ये देखिए, अगर आप अंधी मारेंगे इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, समझे। अगर आपने अंधी मारी इस क्वेश्चन, या आपको क्वेश्चन अगर नहीं पता हो तो आप नहीं लगा सकते। कई लोग, मैक्सिमम लोग डी मारेंगे, मेरे को पता है कसावा सबले सबसे बायस में सकता है, टेक्नोलॉजी क्वेश्चन सब मारो, बट इंडियन नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल्स के हिसाब से, जो आप जाके पीआईबी में चेक करेंगे, पीआईबी में चेक करेंगे तो उसमें कसावा दे रखा है, डैमेज, जो खा नहीं सकता इंसान, ठीक है। ये इसका तेल बनता तो ये नहीं होगा, रॉटन पोटैटोज और शुगर बीट है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1, 2, 5 एंड 6। तो हॉर्स ग्राम और ग्राउंडनट सीड्स जो है वो नहीं होगा, क्योंकि एडिबल होता है, ठीक है। तो इसको आप नहीं खा, इसको बायोफ्यूल में जो एडिबल नहीं होता, मोस्टली बायोफ्यूल में वही डालते हैं, ठीक है। चलिए सोशल कॉस्ट ऑफ द कार्बन देखते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट है, सोशल कॉस्ट ऑफ द कार्बन, सोशल का मतलब कि कार्बन जो पोल्यूशन जो नुकसान हो रहा है वो उसका सोशल कॉस्ट का है, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी आपको बताना है। तो इसका मॉनेटरी वैल्यू को टर्म्स में बताना है, तो इसका आंसर जो है मोस्टली लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टन ऑफ CO2 एमिशन इन द ईयर, इसका मतलब होता है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, हमारा इस कार्बन को सोशल कॉस्ट क्या हो जाएगा। एफर्ट्स टू पुट इन बाय क्लाइमेट चेंज, ये गलत है पूरा। कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया परसेंट टू कार्बन फुटप्रिंट, ये भी गलत है। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर ए कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टुवर्ड्स सिटीजन बेस्ड ऑन बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका 65 का ए हो जाएगा। अच्छा 66 अभी मेरा कंफ्यूजन है, देखिए मैंने आपको बता, दूसरा क्वेश्चन है जो ये कंफ्यूजन है, मैं आपको बताऊंगा जो इसका, मैंने और रिसर्च कर लूंगा इसका लास्ट में। ये इसमें प्रॉब्लम हो रही, ये मुझे ये हो रही है वाले में, कि इसका मुझे कहीं नो डाटा अवेलेबल, कोई डाटा नहीं मिल रहा मेरे को, ठीक है। अगर कोई डाटा नहीं मिले तो मैं आपको गलत आंसर नहीं बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो मेरे होगा मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको ये मैं अभी, ये मेरे को भी आंसर नहीं बताया, ठीक है, बिग क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल नेचर, हार्ड 67 में आते हैं। दिस क्रॉप इज अ सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल है। अ हार्ड द अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजरियस टू इट, इट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 110, 210 दिन जो है फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, लाइट वेल ड्रेन सॉइल केपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा कॉटन। कई लोग टी में भी घबरा जाएंगे, बट इसका आंसर यहाँ पर देखिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज का है, तो इसका आंसर कॉटन ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 में पहुंचते हैं हम लोग। विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोलर वाटर पंप क्या होता है, जो सोलर यूज एनर्जी यूज करे, और ये हर जगह यूज हो सकता है, सबमर्सिबल भी यूज सकता है, सरफेस यूज सकता है, और हर टाइप का पंप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि नॉट यूज फॉर सबमर्सिबल पंप, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको सोलर पैनल यूज करना ना, जो सोलर पैनल आप यूज करेंगे वो कनेक्शन देगा आपके मोटर में, मोटर भले ही वो ग्राउंड में हो या अंडर वाटर हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट वन विद दो पिस्टन, ऐसा कुछ नहीं है, सोलर पावर से एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर 68 का डी हो जाएगा। 69 में आते हैं। विद रेफरेंस टू करंट ट्रेंड इन कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया, ये काफी खतरनाक क्वेश्चन, ये द हिंदू में आया था, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, द हिंदू में आया था, ठीक है, हिंदू में आया था, हिंदू में शायद जनवरी के आसपास आया था क्वेश्चन, मतलब कि जो करंट अफेयर्स है इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पहला, देखिए, सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन द बर्ड चीप सैपलिंग आर रेज्ड इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन मेन फील्ड, नर्सरी में रेस करने की जरूरत नहीं है इसके तहत, ठीक है। तो व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट डन जर्मिनेशन परसेंटेज बेटर विद सिंगल बटर सॉर्ट, ये सही है, टू सही है, तो टू ये हो गया, ये हो गया, अगर हमको एलिमिनेशन करना है, ठीक है। अब हमको देखना है कि फोर सही, शुगर कैन कैन बी कल्टीवेटेड विद फार्म टिश्यू, ये स्टेटमेंट तो मुझे भी पता थी, अगर फोर सही है तो 1 एंड 4 में होगा, ठीक है, अब मुझे पता है टू भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4, तो इसका 69 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
70 में आते हैं, 70 इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंसीडर्ड टू बी प्रैक्टिसेस फॉर इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर क्योर क्या अच्छा हो सकता है इसमें पूछा गया, प्रैक्टिस करने से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यस, एक साथ आपने कॉटन उगाया, फिर पल्स उगाई, फिर आपने गन्ने उगाए, फिर आपने वीट उगाया, तो अगर क्रॉप जो है आप डाइवर्सिफाई करते रहेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। लेग्यूमिटिफिकेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करता है, टेंशनोमीटर यूज हो जाएगा, ये भी सही है, तो ये भी तो मेरे बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था 1N2 4 हॉर्सकोर्स करे वर्टिकल फार्मिंग कर लेते सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का डी हो जाएगा, ठीक है। 71 में आते हैं, लिखा है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है एग्रीकल्चर में पूछा गया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सरकार जो है इन्वेस्ट कर रही है पब्लिक के ऊपर, या तो फिक्स मिनिमम फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर ऑल क्रॉप्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ऑल क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट है कि नहीं है, इसका चेक करना थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे, बट ये गलत है, ऑल क्रॉप्स नहीं होगा, देखिए यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये बिल्कुल सही होगा। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, यस, फ्री नहीं होना है, फ्री इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, इट्स ए सब्सिडी होता है, फ्री तो देना है, सब्सिडी हो गया ना एक प्रकार से, तो ये इन्वेस्टमेंट थे ना होगा, ठीक है। तो इस 71 ओके हाँ, तो उस 2, 3 सही हो गया, 4, 5, 4 गलत हो गया। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन, ये भी गलत हो गया। सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज, देखिए वेविंग और ये सब सब्सिडी में आता है, ये कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कराता, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं कराता, ठीक है। सेटिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज, यस, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 71 का सी हो जाएगा, 2, 3 and 6 हो जाएगा। 72 में आते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये भी काफी कठिन क्वेश्चन है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हो, फर्म जो इंडिया में है उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगा, 72 में दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क, मतलब ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हर एक एक का फर्म का पता लगा देता है कि भैया ये बाद में लोन मतलब बाद में वापस कर पाएगा नहीं कहेगा, और बैंक या लोन देगी कि नहीं देगी उसको देख के, ठीक है। इट हेल्प्स इन इवेलुएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, ये भी सही है। द हायर द बोरिंग फर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स, नो, ये एकदम अपोजिट स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी कठिन क्वेश्चन था ये आप नोट कर लीजिए। 73 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन रिसेंट पास्ट, मतलब इनमें से कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो जो है अफेक्ट कर रहे, जो प्राइस राइस है इंडिया में वो अफेक्ट कर रहा है, मतलब कि हालांकि दौर में, मतलब कि रिसेंट पास्ट में लिखा, ठीक है। तो 73 में मुझे हिसाब से सारे होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी होगा, कॉमन ट्रेडिंग होगा, कॉमन स्टॉक वैल्यू होगा, कॉमन कंज्यूमर सब्सिडीज भी होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 74 में आते, देखिए अगर इस क्वेश्चन में आपको तुक्का भी मार सकते थे, अगर किसी को नहीं बताया तो भी मार सकता था, क्यों, क्योंकि मैं बता दूं कि टेक्सटाइल, ये अगर इन लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट, देखिए नेपाल जो है हिल है, तो कभी हो सकता है कि इंडिया के बाद किसका नंबर आता है, बांग्लादेश का, ठीक है, इकोनॉमिक में, तो आपको खुद ही तुक्का मारना चाहिए कि बांग्लादेश होगा, ये तो गलत हो ही जाएगा। तो अगर 3 गलत हो, ये गया, ये गया, 1 and 2 बचा, मतलब कि आपको 2 बचाई, 2 हो गई होगा, जबकि पता नहीं होगा आपको टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एंड इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया में, हो सकता है ये टेक्सटाइल, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्रोडक्ट करता है टेक्सटाइल, वो भी लो कॉस्ट में एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ श्रीलंका ट्रेड, वो पिछले जो 10 साल है उसमें बढ़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 74 का ए हो जाएगा। 75 में आते हैं, G20 कंट्री के बारे में पूछा है, इसका आंसर ए हो जाएगा, अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, देखिए वियतनाम होगा नहीं तो सी गलत हो गया, मलेशिया है नहीं तो ये गलत हो गया, इंडोनेशिया आपका सिंगापुर है नहीं तो ये भी गलत हो गया, बच्चा आपका ए, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड में आते हैं, 76 में आते हैं हम लोग, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड जो नॉर्मल लोन होता है जो किसानों को मिलता है, जो वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेन फार्म, वैसे मैंने आरबीआई की साइट से देखा है, ठीक है, आरबीआई की साइट से दिया हुआ है। वैसे भी अगर आपको तुक्का ही मानना हो तो आप आराम से मान सकते हैं कि इस बार पेपर सारे ऐसे ही, आपको कैलकुलेटेड गैस करना ही करना होगा, ठीक है। परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स ट्रैक्टर्स और मिनिमम, ये कंबाइन हार्वेस्ट बहुत बड़े बड़े चीज होते हैं ये, कभी क्योंकि आपको 50,000 1 लाख मैक्सिमम इस तरह के लोन मिलते हैं तो आप ये सब खरीद नहीं सकते। कंजम्पशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, ये सही हो जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस आएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउसेज, सेटिंग ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ये हो सकता है। तो 1, 3 and 4 मेरे हिसाब से होगा, कि अगर मान लीजिए 2 नहीं भी होता है तो 2 तो होगा नहीं, देखिए 2 गलत है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से विलेज कोल्ड स्टोरेज के फैसिलिटी का ये नहीं होगा,
इसका आंसर हो जाएगा 76 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। WPI CPI अपने स्टूडेंट्स को मैं बहुत पढ़ाया है, उनको उनको आई होप उनका ये क्वेश्चन सही हो गया हो। ठीक है, तो वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हायर देन दैट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स 77 का, ये सही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में CPI में फूड का जो है वो प्राइमरी आर्टिकल्स का वो ज़्यादा होता है, अराउंड 36% के अराउंड होता है, उससे ज़्यादा ही होता है। ठीक है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। WPI में कम होता है। WPI do not capture changes in price sources while CPI does, okay? ये सही है क्योंकि CPI में services और goods दोनों होता है, services plus goods दोनों होता है, लेकिन WPI में services नहीं होती। ठीक है, Reserve Bank of India adopted WPI, no CPI, ठीक है, तो ये 1 and 2 का आंसर हो जाएगा, 77 का A हो जाएगा। रिवर देख लेते हैं हम लोग, मेकोंग कहाँ आती है, साउथ चाइना सी में आती है, 76 का हम 78 कर रहे हैं हम लोग। मेकोंग जो है साउथ चाइना सी में ड्रेन होती है, थेम्स जो है नॉर्थ सी में होता है, थेम्स जो है वो नॉर्थ सी, कई लोग कंफ्यूजन होते हैं, नॉर्थ सी में आता है। वोल्गा जो है वो कैप्सिकन सी है, सही है। जम्बेजी जो है वो इंडियन ओशन मोजाम्बिक से जो आती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा, 78 का सी हो जाएगा। ठीक है, 79 में आते हैं। इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स पल्सेस एंड ऑयल सीड्स द प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट। ये क्वेश्चन काफी खतरनाक है। अब ये आंसर पहली बार स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसमें लिखा है कि इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, तो सारे सीरियल्स पल्सेस में, पल्सेस में नहीं होता, पल्सेस में आपका ये PSS यूज होता है। ठीक है, तो पल्सेस में कहाँ गया, पल्सेस में यूज नहीं होता। ठीक है, स्टेटमेंट सरासर पूरा पूरा गलत है। ठीक है, वो प्राइस स्टेबिलिटी आपको पढ़ा होगा आपने, वो यूज होता है। इन केस ऑफ सीरियल पल्सेस द MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट एट अ लेवल टू व्हिच मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, ये भी ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और 2। चलिए 80 करते हैं। देखिए, मैंने ये आपको बताया था जब मैंने वीडियो बनाया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, कमर्शियल पेपर बताया था, देखिए सर्टिफिकेट डिपॉजिट भी बताया था, वो भी आगे कॉल मनी भी बताया था, जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में बताया था। देखिए, पहले फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, मुझे जो कि देखते ही गलत लगा। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड होता है मतलब कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं पेना, इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड नहीं होता। मतलब आज मैं 50 रुपये ले बेच रहा हूँ तो मैं अग्रीमेंट बता दूँ भैया मैं आपको 55 रुपये में बाद में दूंगा, तो 5 रुपये का फायदा होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये पूरा पूरा गलत हो जाएगा। फोर गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा 1 और 2, 1 और 3 में, तो 1 तो सही हो गया। तो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड होता है, यस प्रोमिसरी नोट्स होता है लेकिन अनसिक्योर्ड होता है। और कॉल मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है जो कि इंटरबैंक ट्रांजैक्शन में यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, RBI नहीं इश्यू करती। ठीक है, चलिए 81 में आते हैं हम लोग। विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, FDI के बारे में पूछा गया हुआ है। तो FDI में देखिए, पहला स्टेटमेंट, इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी। नो, कोई जरूरी नहीं खाली लिस्टेड कंपनी में उनको देना है, अनलिस्टेड कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो लोग। इट इज लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल, यस इट इज ट्रू। इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेप्ट सर्विसिंग, गलत है, डेप्ट नहीं होता, वो खुद आके इन्वेस्ट करते हैं। इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नो वो FII होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 में बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट UPSC ने यहाँ भी पूछ लिया। चलिए मैं पहले फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड अकाउंट, नो, ये अभी न्यूज में था, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम हो गया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। अगर ये गलत है तो मान लीजिए डी गलत हो, ये हो गया 1 और 2 और 3 में। अब आपको चेक करना है कि 3 सही है कि गलत है। ठीक है, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये बिल्कुल सही है। तो अगर 3 सही आपको लग रहा है तो 1 और 2 भी लेके आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 चेक कर लेते हैं। इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन स्टील एंड केमिकल फर्टिलाइजर हैव डिक्रीज इन रीसेंट ईयर, नो, ये बढ़ गया है। ठीक है, और इंडियाज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स मर्केंटाइज इंपोर्ट, ये पूरा उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा 82 का। 83 में आते हैं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, देखिए बहुत ही न्यूज़ में था इसका आर्टिकल, मैंने द हिंदू समझाया था, आप पुराना जाकर देख सकते हैं। एक्चुअली इसी को क्योंकि ये WTI जो है वो US का बेंचमार्क ट्रेड है, जहां एक बार निगेटिव में प्राइस चला गया था। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आया, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, तो इसका क्रूड ऑयल हो जाएगा। ठीक है,
84 में आते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी। आपका ये भी देखिए थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, ये भी मुझे डाउट था बट इसका आंसर मैंने चेक किया था। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट, कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल डेप्ट होगा इसमें से, हाउस लोनिंग, जो हाउसिंग लोन जो लिया वो हो जाएगा, जो क्रेडिट कार्ड में लोन अमाउंट स्टैंडिंग है वो हो जाएगा, और ट्रेजर बिल भी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बट इसका थोड़ा सा डाउट है, प्लीज इसको चेक कर लीजिए और मुझे भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ओके 85 में आते हैं हम लोग। इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स व्हाइल अदर्स आर नॉट, मतलब कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में कुछ IAEA सेफगार्ड्स में बाहर वाले क्यों नहीं है। सम यूज यूरेनियम अदर यूज थोरियम, अभी इंडिया में कोई ऐसा नहीं जो थोरियम यूज कर सके, एक सारा से गलत है। बी पढ़ते हैं, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाई, ये इसको साइड में रखते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस, इंडिया में कोई फॉरेन एंटरप्राइज, सब स्टेट एंटरप्राइजेस ऑपरेट करता है, डी देख लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सम आर स्टेट ओन एंड अदर्स आर प्राइवेट, ये भी बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है 85 का बी हो जाएगा। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम्स के बारे में बात करते हैं, ट्रिम्स जो है वो WTO के अंदर आता है, ये इसलिए इसलिए बनाया गया ताकि जो है वो जो बाहर से गुड्स से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है आपका गुड्स में, तो वो उनके साथ जाती ना हो, तो और उनके साथ भी क्या कहते हैं सेम बिहेवियर किया जाए जो इंडिया अपने ट्रेडर साथ करती है, तो इसलिए WTO ने लाया था। ठीक है 86 का। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेनर्स आर प्रोहिबिटेड, यस दी अप्लाई टू द इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू बोथ इन गुड्स, ये सिर्फ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए नहीं है। ठीक है टू गलत हो गया, मान लीजिए अगर टू गलत होता, अगर ये कोई लगा देगा तो 1 और 1 इसका आंसर हो जाएगा, दे आर नॉट कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यस इफ देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है 87 का, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और आपका मार्जिन स्टार्टिंग फैसिलिटी और SL से रिलेटेड है। इफ RBI डिजायर्ड, अगर RBI को एक्सपेंशनिस्ट मॉनिटरी पॉलिसी अपनानी है, मतलब कि RBI को मार्केट में और पैसा पंप करना है, ठीक है तो क्या क्या अप्लाई, क्या क्या अप्लाई करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट डू, मतलब वो क्या अवॉइड करेगा, इसमें से गलत बताना है वो। ठीक है कट द बैंक रेट, ये तो अच्छा हो जाएगा ना, अगर बैंक रेट कट करेगा, बैंक रेट अगर कट करेगा तो अच्छा ही है ना, तो गलत कैसे हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो इंक्रीज इन द मार्जिनेटिंग मार्जिनल, ये देख लेते हैं 1, कट एंड ऑप्टिमाइज स्टेटली स्टेटोरी लिक्विड SLR को अगर कम करेगा तो और फायदा ही है। ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंक्रीज द, ये इंक्रीज नहीं करेंगे हमको, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है मार्जिनल स्टार्टिंग फैसिलिटी रेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1919, ये पिछले इस बार भी आया था, पिछले इसी बार भी आया था 1991 का, इकोनॉमिक लिबरेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है देखिए यहाँ पे डाटा जो है आप नहीं रट सकते, इस क्वेश्चन में आप कैलकुलेटेड गेस जरूर मार सकते हैं। ठीक है तो सबसे पहले मैं फोर्थ पढ़ूंगा, ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट है, यस ये सही है। ग्रोथ रेट जो अगर आप सोचेंगे भी, जो जो इकोनॉमिक लिबरेशन वो मोस्टली अर्बन ओरिएंटेड था, ठीक है तो ग्रोथ रेट जो है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है तो इसका बी फोर सही है, फोर देख ली कहाँ कहाँ, थ्री और फोर में, अगर फोर सही मतलब कि आपको 3 और 2 में चेक करना, 3 चेक इन रूरल ग्रोथ इन नॉन फॉर्म इकोनॉमी, यस ये बिल्कुल सही आंसर है, ये तो ऑलमोस्ट लिबरेशन पढ़ा होगा, 1-2 साल तैयारी की उसको पता ही होगा, नॉन फॉर्म में लोग दूसरी जगह भी, लोग फॉर्म को छोड़ने लगे तो दूसरी जगह जाने, तो इकोनॉमी जो है इंक्रीज होगी नॉन फार्म में, ठीक है नॉन एग्रीकल्चर में। तो परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज, नहीं ये गलत है। ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है 89 करते हैं, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर, 89 भी ऑप्शन थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, ये मुझे इसका कहीं सोल्यूशन नहीं मिला है, बट मेरे हिसाब से सी होना चाहिए यहाँ पे, कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल, मुझे लगता था RRB होती है, लेकिन कई जगह कई लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है, तो प्लीज आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको लगता है क्या आंसर लगता है इसका। ठीक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCCB इज टू प्रोवाइड फंड्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये भी सही है। ठीक है प्लीज इसका आंसर आप चेक करके बताइए, मेरे हिसाब से सी होगा, कई लोग डी भी मार सकते हैं लेकिन हिसाब से सी होगा। ठीक है 90 आते हैं, साइबर इंश्योरेंस इंडिविजुअल, ये भी बहुत कठिन है, ये इसका मेरे को कहीं भी आंसर नहीं मिला है, अब ये कहाँ से UPSC ने क्वेश्चन बताया, कि कुछ UPSC क्वेश्चन बना के देखता है देता है जो किसी को नहीं बताता। ठीक है तो हो सकता कई लोग डी मारे, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है डी मारे, लेकिन जनरली डी सही होगा, लेकिन मैं इसके पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं कह सकता हूँ। अगर आपको आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में मारिए 89 90 का,
नहीं देखिए अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन जो है मुझे भी कहीं भी इसके सोल्यूशन नहीं है, तो काफी आप देख सकते हैं काफी टफ क्वेश्चन थे। ठीक है 91 में आते हैं, ये तो काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, परिवार राजक क्या थे, ठीक है, और आपका शर्मणा कौन थे, उपासक कौन थे, और शर्मणा आपको पता ही होना चाहिए प्रीस्ट थे, हाई स्टेटस के प्रीस्ट थे, ये तो सही है, मुझे पता था। उपासक जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, और परिवार जग जो है आपका रिनंसिएंट और वांडर लोग होते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अच्छा कई लोग सी भी बोल रहे हैं, इसका आंसर प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होगा। ठीक है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनिमल के ऊपर है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन एलिफेंट नॉट अफ्रीकन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट की बात की गई, द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप, यस फीमेल ही होती है लीडर ऑफ द ग्रुप, जबकि उनको बच्चों को पालना होता है, तो जो एलिफेंट ग्रुप में लीडर्स होती हैं वो फीमेल होती हैं। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 18 से 22 के बीच में होता है, ये अफ्रीकन का भी होता है मोस्टली इसके अराउंड, और थोड़ा सा एशियंस का थोड़ा सा पहले हो जाता है 18 के, लेकिन 18 से 22 ये स्टेटमेंट सही लग रहा है मेरे को। ठीक है गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40, नो 25 साल तक वो लोग कर सकते हैं, 17, 18, 25 साल तक ऑलमोस्ट करते हैं। ठीक है तो थर्ड तो गलत ही हो गया, ये भी गलत हो जाएगा, अमंग द स्टेट इंडिया हाईएस्ट एलिफेंट में केरला नहीं करना था, ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, 92 का ए हो जाएगा। ठीक है 93 में रहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड इन कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन के बारे में पूछे हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज को भी लेके आपने उन्होंने आंसर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखें, पापीकोंडा को छोड़ के जो कि आंध्र प्रदेश में नगरहोल होगा, सत्यमंगलम होगा, वायनाड होगा, तो इसका आंसर 1, 3 एंड 4 हो जाएगा, 93 का सी हो जाएगा। 94 देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बायोडायवर्सिटी, ये न्यूज बता, देखिए मेरे को ये नहीं पता सीलैम फ्रॉग माउथ का होता कॉपर ये, लेकिन मेरे को व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट ये मेरे को पूरा पूरा पता था, तो मैंने तुरंत बर्ड मार दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ड्स। ठीक है 95 में आते हैं, बारहसिंगा की स्पीशीज कहाँ मिलती है, कान्हा नेशनल पार्क, ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये स्टेट गवर्नमेंट में पूछा जाता है कई बार, तो कान्हा नेशनल पार्क में ये पूछा जाएगा, बारहसिंगा प्लीज स्वैम्प डियर है ये, उससे डांसिंग डियर से आप कंपेरिजन मत करना, ठीक है उसका कान्हा हो जाएगा। ठीक है तो ए हो जाएगा, 95 का ए हो जाएगा। स्टील स्लैग है, आपको पता होगा स्टील स्लैग का जो बच जाता है ऊपर जो, ठीक है ऊपर आ जाता है 95 का, और कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड हो जाएगा सही है, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉयल हो जाएगा ये भी सही है, ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट भी यूज हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है चलिए 97 में आते हैं, मस्क डीरे कहाँ का बताया, बता दूँ ये माउंटेन्स के पास पाए जाते हैं, तो गंगोत्री तो हो गई होगा, अस्कोट होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएंगे, अगर 1 है तो 1 एंड 2 ही होगा, देखिए आप कैसे लगा सकते हैं, पता भी नहीं होगा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेरे को नहीं पता था कहाँ पे है, लेकिन मेरा आंसर ये सही हो जाता अगर मेरे को गंगोत्री का पता होता। ठीक है चलिए 98 में आते हैं, इन रूरल रोड, रूरल में रोड कंस्ट्रक्शन अगर आपको बनाना है, द यूज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है कार्बन फुटप्रिंट अगर आपको कम करना है तो आप, और इन्वायरमेंट का सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन करना है, तो आपको कौन को यूज कर सकते हैं, कॉपर स्लैग यूज कर सकते हैं, कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, जियो टेक्सटाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन हॉट मिक्स एसफॉल्ट ये तो यूज करते हैं, तो इससे और पॉल्यूशन होगा, ठीक है ये गलत हो जाएगा, तो 1, 4 गलत है, तो 4 अगर गलत है तो 2, 3, 4 गलत हो गया, सी गलत हो गया बच्चा, 1 एंड 5, 2 ऑल्सो सही है, तो इसका हो जाएगा 98 का ए हो जाएगा। ठीक है 99 में देखें, कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक लेड एंड मर्करी, यस सही है ये, कोल्ड फायर पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू एनवायरनमेंट, ये भी सही है, हाईएस्ट कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल, ये तो बिल्कुल सही है, काफी इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आता है बायोचार, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारे पढ़ाया भी बायोचार के, बायोचार कूल कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग वर्टिकल फार्मिंग, यस व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये भी सही है, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट अनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है तो 100 का डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। ओके तो ये आप देख लीजिए और इसको देख लीजिए, अगर आपको कोई लगता है क्वेश्चन गलत तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। ओके